हम लोग ना यहाँ पे लाइव गेम खेल रहे हैं BGMI, और हमारे प्लेयर हैं शिल्पा, अक्षय, और वहाँ पे वो साइड से संकल्प ने ज्वाइन किया है। और ये वो जगह है गाइस जहाँ पे हम लोग ना क्रिकेट खेला करते थे, और ये साइड में हम लोग ना वॉलीबॉल नहीं फुटबॉल खेला करते थे। ये देखते गाइस कौन है जान पहचान वाला, पुलिस वाला गाइस हमको लेके जा रहा है थाने पे। सो फिर व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज की इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे सीधे मोटो व्लॉग पे। तो अभी का सीन यानी कि अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट गाइस 3:30 या फिर 3:40 हो चुके रहेंगे, दुकान भी नहीं खुल रही है, मतलब 3:30 3:40 ऐसा ही कुछ टाइम रहेगा। तो गाइस चलते हैं, अभी का सीन ये ना कि मेरे को यहाँ से जाना है पेंजिम में ना मेरे को एक काम है अर्जेंट सा, इसके लिए मेरे को फटाफट से निकलना पड़ा। अभी आगे ना हमारा सीज़न आ रहा है इवेंट्स का, तो गाइस 2023 और 2024 की बुकिंग्स ओपन हो चुकी है। तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम हैंडल देख सकते हैं, रेड विंग्स इवेंट्स करके रहेगा। तो हम लोग सब मैनेज करते हैं, बर्थडे वेडिंग पार्टीज, एंगेजमेंट पार्टी, बेबी शावर, जो भी इवेंट रहता है वो सब हम लोग मैनेज करते हैं। तो गाइज़ आप लोग भी अपने मेरा जाके इंस्टाग्राम हैंडल पर भी चेक कर सकते हैं, मेरे बायो में वहाँ पे सब मेंशन है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना समीर। तो मिलता हूँ गाइज़ मैं आपको अभी आगे अपनी सी राइड पे। तो यहाँ से ना ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स है, आप लोगों ने प्रीवियस काफ़ी सारे ब्लॉग्स में देख ही लिया होगा, और हर बार मैं यही रूट से जाता हूँ क्योंकि इस रूट से ना बहुत ही फटाफट हम लोग पहुँच जाते हैं। और एक दूसरा रूट है वहाँ से हम लोग को फेरी लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ से अगर आधे घंटे में हम लोग अगर वहाँ पे पहुँच जाते हैं फेरी पॉइंट पे, तो फिर से वहाँ पे हम लोग को 20 या फिर आधा घंटा फेरी में वेस्ट होता है। तो इसकी वजह से गाइस यही रूट बेटर है, सीधा जाके हम लोग पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर। अपने सामने बस जा रही है और उसके ऊपर लिखा है सबका मालिक एक। और गाइस अभी ना हम लोग की आगे जो सीरीज आने वाली है 12x12, आई थिंक उसको हम लोग को ना शायद से पोस्टपोन करना पड़ सकता है, देखते हैं गाइस डिपेंडिंग अपन द सिचुएशन, क्योंकि आगे इतना खतरनाक शेड्यूल टाइड होने वाला है ना अभी आफ्टर 15th August, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी आ रही है और सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मेरा वो टारगेट था कि उस सीरीज़ को ना मैं कंटिन्यूस रखने की कोशिश थी, लेकिन आई थिंक वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो आज तक किसी ने वो ट्राई नहीं की और हम लोग उसको ना डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी तक। और नीचे ना गाइज आप लोग कमेंट कर देना कि आप लोग को अगर जानना है कि 12x12 क्या है, तो गाइज कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, बस आप लोग का गाइज सपोर्ट चाहिए। और गाइज मस्त बादल निकले यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे, और यहाँ पे लाल परी जाती हुई। और फाइनली गाइज वी आर एट अ हाईवे, तो गाइज चलते हैं अभी यहाँ से। मैं ना यहाँ पे राइट साइड में ना मापसा है और हमको जाना है अभी सीधा पेंजिम में। तो गाइज मौसम भी बढ़िया है और सब कुछ बढ़िया, तो लेट्स गो गाइज। आ गए गाइज अभी हम अपने ट्रैफिक वाली दुनिया में, जो कि है लोकेशन पोरवोरिम। यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, जितनी बार आप लोग आओगे उतनी बार। अभी हम लोग पहुँचेंगे कुछ ही मिनटों में, बस ये एक सिग्नल पार करना है और उसके बाद एग्जैक्टली लगेंगे मेरे को अपने लोकेशन पे पहुँचने के लिए 10 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। देखते गाइस। A few moments later. तो गाइज अब भी जस्ट ना हमारी मीटअप ख़त्म हो चुकी है और गाइज मैं निकल चुका हूँ वहाँ से अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। शायद से मैं ना मड़गांव जाऊँगा गाइज। देखो ये रहा गाइज मिरामार बीच, मिरामार गाइज गोवा साइंस सेंटर। ये हमारा एवरी ईयर का मैंडेटरी पिकनिक स्पॉट रहता था स्कूल के टाइम पे, हर साल इस स्पॉट पे जाना ही जाना है। तो गाइस अभी अपन यहाँ से जा रहे हैं राउंड मार के, दोनों पाला से होके जाएंगे, और यहाँ से भी जा सकते हैं लेफ्ट मार के अंदर से, बहुत सारे रास्ते हैं रोड से गाइस हम लोग को ऊपर जाने के लिए।
तो मैं ये घूम के जा रहा हूँ, देखते गाइस आगे का सीन। तो गाइस अभी ना वहाँ पे जस्ट आप लोगों ने सर्कल जो देखा था वहाँ से राइड लेते हैं तो पहुँचते हैं दोनापावला जेटी पे। वहाँ पे एक मस्त लोकेशन है, वहाँ पे सिंघम मूवी का शूट हुआ था और बहुत सारे मूवीज़ का वहाँ पे शूट हुआ था, अलग अलग मूवीज़ का। तो वहाँ पे हम लोग ना कभी अगली बार जाएंगे, अभी चलते हैं गाइस। एक और मेरा दोस्त है, उसका भी एक कुछ काम है, तो मिलते हैं गाइस। गाइस यहाँ के आप लोग मस्त से नज़ारे देखना, ब्यूटीफुल बीच है सामने अपने, और वहाँ पे एग्जैक्ट उस साइड में ना वो वास्को है। तो गाइस अभी मेरे को जाना है और नीचे। तो गाइस वेलकम बैक, फाइनली मैं ना पहुँच चुका था अपने फ्रेंड के यहाँ पे। ये है सलील, उसको ना मैं बहुत सालों बाद मिल रहा हूँ, लगभग चार साल बाद मिल रहे हैं। हम लोग उससे पहले मिले थे अपने किंग्स यूनाइटेड के स्टूडियो पे, हम लोग ना वहाँ पे जाते थे डांस वांस करने के लिए, तो ऐसा कुछ सीन था वहाँ का। गाइज अभी करते हैं कुछ थोड़ी सी बातें और गाइज मैं निकलूँगा अभी यहाँ से ना, तो मिलता हूँ गाइज मैं आपको बाद में आगे बाइक राइड। तो गाइज डन, अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं गाइज। अभी फाइनल डिसीजन ये हुआ है कि मैं अभी जाऊँगा मारगांव में, तो गाइज चलता हूँ मैं वहाँ पे और देखते गाइज आगे का सीन क्या रहेगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कौरतालिम ब्रिज पे, यहाँ के मस्त सीन देखो गाइज। वहां पे है रेलवे ब्रिज और यहाँ राइट साइड में है अपना नया वाला ब्रिज जो कि हाफ पार्ट ऑलरेडी बन चुका है और हाफ पार्ट उसका अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। सिर्फ एक ही लेयर इसका बाकी है, ये सेंटर वाला, और बाकी ये ब्रिज रेडी हो जाएगा अपने यूज़ के लिए। भूख लग चुकी है खतरनाक वाली, अभी एक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और टी ब्रेक लेंगे छोटा सा और फिर गाइस निकलेंगे आगे की तरफ। अभी बस मारगांव यहाँ से आधा घंटे का डिस्टेंस है और आगे तगड़ा ट्रैफिक मिलने वाला है शायद, क्योंकि आगे ना इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे दो तीन जगह पे सिग्नल्स है, वहाँ पे रुक रुक के जाना पड़ेगा। अभी सभी लोगों का ना काम से छूटने का टाइम हो चुका है, तो सब लोग अपने अपने घर चल पड़े और हम लोग पहुँच गए थे इंडस्ट्रियल स्टेट में। शायद से हम लोग ना यहाँ से अभी लेफ्ट लेके जाएंगे, वहाँ पे ना एक मस्त सा मंदिर है गाइस, जहाँ पे हम लोग ना बचपन में जाया करते थे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पहले रहा करते थे। तो गाइस चलते हैं, ऐसे लेफ्ट लेते हैं, वहाँ से लेना है राइट। तो ये रहा गाइस वो मंदिर, मालसा नारायण टेम्पल। तो अभी यहाँ पर भी ना गाइस हम लोग नहीं जाएंगे, जाएंगे फिर कभी अगले टाइम। अभी मेरे को टाइम हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ सीधा, इसे रोड को डाइवर्ट किया है, पता नहीं ये रोड कहाँ जाता है, ये लोग जा रहे हैं इसलिए मैं इनके पीछे आया। अच्छा रोड ग्राउंड से निकाला, लोगों का ग्राउंड विन सब ख़त्म कर दिया लोगों ने। पहले हम लोग यहाँ पे आते थे कभी कभी, गेम वेम लगाते थे ये गांव वालों के लड़कों से, वो भी क्या दिन थे। इस रूट से गाइस हम लोग ना पहले चल के जाया करते थे, आप लोग को दिखा देता हूँ हम लोग कहाँ पे रुकते थे। और यहाँ से ऑलमोस्ट ना मंदिर के पास से ऑलमोस्ट वो डिस्टेंस रहेगा डेढ़ किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर रहेगा। तो गाइस दिखाता हूँ मैं आपको हम लोग कहाँ पे पहले रहा करते थे, तो देखते गाइस आगे। रोड आज तक वही सेम, हल्की हल्की कुछ कुछ जगह पे उन्होंने बढ़ाई है, बाकी क्या रास्ता तो उतना ही है। और ये वो जगह है गाइस जहाँ पे हम लोग ना क्रिकेट खेला करते थे, और ये साइड में हम लोग ना वॉलीबॉल नहीं फुटबॉल खेला करते थे, ये ग्राउंड पे जहाँ पे वहाँ पे मार्किंग की है, और वहाँ पे इस साइड पे भी हम लोगों ने फुटबॉल खेला है, बहुत
इस पहाड़ों पे बहुत सारी मेमोरीज है गाइस। वहाँ पे हम लोग ना बैठा करते थे और एग्जैक्ट अपोजिट साइड में ना वो वहाँ पे पहाड़ पे थ्री किंग्स का चर्च है। तो ऐसा सीन था गाइस यहाँ पे। यहाँ गाइस अभी चलते हैं अंदर। अंदर ना ऐसे एक राउंड मार के आते गाइस हल्का सा। ये पेड़ कितने बड़े हो चुके हैं यहाँ पर भी। देखते गाइस कौन है जान पहचान वाला। अरे ये गाइस वो लोकेशन जहाँ पे हम लोग रहा करते थे। यहाँ पे ना गाइस बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी है चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक। और आगे जाके कभी मौका मिलेगा तब मैं आपको बता दूंगा सारी स्टोरी विस्तार में। तो गाइस अभी ना मैं फिर से ऊपर गया था वो जो यश था ना उससे मिलने के लिए। तो वो वहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहा था जो मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया था नीचे आने से पहले। तो गाइस अभी ना मैं निकल चुका हूँ वहाँ से फाइनली। और अभी देखते देखते अंधेरा भी हो चुका है। और गाइस वो रहा मेरा स्कूल। स्कूल का नाम है मरीना इंग्लिश हाई स्कूल। और ये रही वो चर्च। और वो देखो आप लोग स्कूल मेरा। लोग बोलते हैं कि काले बिल्ली ने अगर रास्ता काटा तो बैड लक। अभी तो मेरे सफ़ेद बिल्ली ने रास्ता काटा तो इसका मतलब गुड लक। आई थिंक आगे जाके कुछ तो गुड लक मिलेगा। तो और गाइस ना मन में एक सवाल सा उठ रहा है कि मेरे को ना शायद से मेरा यूट्यूब का नाम जो है ना वो चेंज कर लेना चाहिए। तो गाइस आप लोग बता देना कि नाम चेंज कर लेना चाहिए कि जो है वही रहने दूँ। आप लोग बता दो गाइस कमेंट में। कमेंट कर दो बता दो एक बढ़िया सा नाम आप लोग के पास रहेगा तो लोग वो रख लेंगे नाम। या फिर ये वाला नाम सही है तो यही रखेंगे फुल पावर गाइस। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और हाँ 1K सब्सक्राइबर्स गाइस भूलना मत। इस साल किसी भी हालत में 1K सब्सक्राइबर्स टारगेट अचीव करना है तो उसी के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो गाइज फाइनली ना एट लास्ट मैं पहुंच चुका हूं अक्षय के यहां पे। और ये रहा ब्राउनी। हेलो ब्राउनी। और ये रहा अक्षय। मांगा लो तो बुड्ढी दादी सुनो था डायरेक्ट तोणाकडे गेलो होते जे आई नो दिता अजून दिल ना काल एकटा दिवपात चुकलो। और गाइज मैं लिफ्ट पे हूं। कब से मैं वेट कर रहा हूं फोर्थ अभी तक फोर्थ पे ही है क्योंकि मैंने बटन यहां पे प्रेस नहीं किया ना। अभी जस्ट रियलाइज हुआ कि बटन भी प्रेस करना रहता है। हम लोग ने जस्ट खाना वाना खा लिया था। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे लाइव गेम खेल रहे हैं BGMI। और हमारे प्लेयर हैं शिल्पा अक्षय। और वहाँ पे वो साइड से संकल्प ने ज्वाइन किया है। तो गाइज आप लोग भी हमारे चैनल पे हमारे मतलब अक्षय के चैनल पे जाके आप लोग भी लाइव ज्वाइन कर लेना अगर आपको भी ज्वाइन करना है गेम पे। तो चैनल का नाम है कैप्चर एक्स इंडिया। तो गाइज मिलते हैं आपसे वहीं पे। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। एक्चुअली वहाँ से उल्टा मेरे को यहाँ पे बोलना चाहिए था सब्सक्राइबर्स के लिए। मिलते हैं गाइज। तो गाइज अभी का ये सीन था कि ना मैं जस्ट अभी गेम खेल के वहाँ से आ चुका हूँ। और अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग बस लाइक करना शेयर करना कमेंट करना सब्सक्राइब जरूर करना। और 1,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है गाइज इस साल। आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं गाइस आप लोगों से अगले ब्लॉग में। बाय।